जीवाजी क्लब के चुनाव का मतदान का एक दिन शेष बचा हुआ है। हमारे साथ इस समय जीवाजी क्लब के सह सचिव पद के प्रत्याशी मनीष सेठ जी हमारे साथ में हैं। आज वर्तमान हालातों जिस तरह के हालात हैं, अनुशासन का किसी तरह का अनुशासन नहीं है, तो हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि आपको अगर जीवाजी क्लब के सदस्य चुनते हैं तो आप किस प्रकार का अनुशासन मेंटेन करेंगे। सबसे पहले तो हमें जीवाजी क्लब के अनुशासन में सुधार लाना होगा। जी, किस तरह से लाएंगे आप सुधार? जो सब चीज़ें अदर मेंबर्स जो आ जाते हैं, जो मेंबर्स हैं क्लब के, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। जो अदर मेंबर आ जाते हैं अंदर, तो है ना, पूरी इलीगल मतलब जो होती हैं एक्टिविटीज़, उनमें ज़्यादा ये पार्टिसिपेट करते हैं। मनीष जी, आज जिस तरह का जीवाजी क्लब में माहौल है, परिवार के क्लब के सदस्यों ने अपनी परिवार की महिलाओं को लाना क्लब में बंद कर दिया है, ये असुरक्षा का माहौल ऐसा महसूस करती है, इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो लेडीज़ नहीं आ पा रही हैं, ये बात आपकी सही है कि क्लब में फैमिलीज आना बंद हो गई हैं, उसके लेडीज़ के लिए और फैमिलीज़ के लिए हम हर महीने एक अच्छे अच्छे इवेंट किया करेंगे, जिससे हम फैमिली को इनवाइट करके उनका एंटरटेन किया करेंगे। उनमें सुरक्षा की भावना कैसे पैदा करेंगे आप? जो एक्चुअली क्या, जो अदर मेंबर आते हैं तो वो मेंबर्स को मेंबर्स नहीं समझते, उनको उनकी फैमिलीज आती हैं तो उनको भी ना मतलब अलग तरीके से बिहेव करते हैं, तो इसलिए फैमिलीज आना बंद हो गई हैं। जी, कैसे उनको अंदर लेके आएंगे आप क्लब के अंदर, कैसे सुरक्षा का माहौल पैदा कराएंगे आप उनसे? तो जब धीरे धीरे अपन मेंटेन करेंगे उसको, वो धीरे धीरे डेवलप करेंगे अपन के ना, जो फैमिलीज आना चालू हों और अदर मेंबर नहीं आएंगे, तो अपने आप ही क्लब का माहौल अच्छा होने लगेगा। कैसे रोकेंगे अदर मेंबर, बाहरी मेंबरों को कैसे रोकेंगे? बाहरी मेंबर जो एंट्री कार्ड हैं, आप पूरे जो एंट्री गेट पे सारे एंट्री कार्ड अपना आईडी कार्ड दिखा के ही अब उनको एंट्री दिया करेंगे, और जो नॉन मेंबर होगा उसको हम गेस्ट कूपन, जब एंट्री होगी और गेस्ट साथ में होगा तभी उनको एंट्री दिया करेंगे हम। हाँ मनीष जी, अभी जो जीवाजी क्लब आर्थिक तंगी के हालातों से जूझ रहा है, आप कैसे, आपकी क्या प्लानिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जीवाजी क्लब के अंदर आए और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरे? एक्चुअली क्या है, आर्थिक स्थिति इसलिए गुजर रहा है क्योंकि ना पिछले हमारे टेनोर में शादियां भी थोड़ी बहुत कम हुई हैं, और इस बार हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शादियां अपने जीवाजी क्लब में ही अरेंज कराने की कोशिश करेंगे। कैसा माहौल देंगे उन्हें? नहीं, वो माहौल बिल्कुल सेफ देंगे, और जो पहले सब चीज़ें आदमी थोड़ा सा भिदकता है जाने में, क्यों, क्योंकि ना क्लब का माहौल, आदमी की क्लब का नाम लोगों की नज़र में ख़राब हो चुका है, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे और सारी शादियां हम क्लब में कराएंगे, और जिससे क्या क्लब की इनकम बढ़ेगी। पिछले दिनों में जो शादियां हुई उनमें कई बार चोरियां हुई हैं, इस तरह की हुई, लोग बड़ा सुरक्षा का माहौल महसूस करते हैं, कैसे आप उनको भरोसा दिलाएंगे कि आप आएंगे तो हम बेहतर सुविधाएं देंगे? पूरा सिक्योरिटी, अच्छी सिक्योरिटी रखेंगे और अच्छा माहौल रखेंगे, जिससे क्या है सब लोग अपने क्लब में आएं, एंजॉय करें, शादी में अच्छे से एंजॉय करें और आराम से सुरक्षित होकर घर जाएं।